पाक रखती है और माशाल्लाह अच्छी चलने वाली गाड़ी ऐसी है, सीटें इसकी अच्छी हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है। इंशाल्लाह आप सफ़र करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। बस में सहूलियात इसमें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस, ऐसी बात है, एसी बुजुर्गों के लिए जो थोड़ी सी गाड़ी नीचे हो जाती है, औरतों के लिए बैठने की जगह अलहदा है, व्हील चेयर का सिस्टम अलहदा से है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि एक ऐसा माहौल लेके आ रहे हैं कराची की आवाम के लिए कि उनको महसूस हो कि यार हमारे लिए भी कोई अच्छी चीज़ आएगी, नई चीज़ आएगी जो कि दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया में लेटेस्ट जो चीज़ चल रही है वही हमारी आवाम के लिए। ये डिवाइस है, दूर सफ़र का प्रिंटर है ये, यहाँ से टिकट पर्सन सेलेक्ट होंगे, डेस्टिनेशन सेलेक्ट होगी यहाँ से, ठीक है ठीक है, यहाँ से हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है ये बुकिंग। कंपनी की मशहूरी के लिए मिनिमम किराया इसका 10 रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज करती है 4 रुपीज़ आसिफ टर्मिनल टू टावर, ठीक है। कितने घंटे का सफर है? मैक्सिमम 1.5 आवर, ठीक है। सबसे पहले तो और सर मैं खास कराची का रहने वाला हूँ, आगा नदीम मेरा नाम है, गजनवी हूँ मैं, ताजिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, कच्ची बिरादरी से भी मेरा ताल्लुक है, मंदरा और चत बिरादरी से। मैं चलाता रहा हूँ, मुख्तलिफ गाड़ियाँ मैंने चलाई है इसके अंदर, हर कंपनी मिसाल मर्सिडीज़ वगैरह हो गई, वाल्वो हो गई, यूटोंग हो गई, जोंगटोंग हो गई और बाहर कंट्री में भी मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं, तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे शहर को कराची को ये पहली गाड़ी मिली है और मैं कराची वालों को बिल्कुल इस बात में मैं मुबारकबाद दूँगा।